व्यक्ति को बार बार खांसी का संक्रमण हो रहा है, जैसे कि बदलते मौसम के कारण खांसी चल रही है, सर्दी जुकाम के कारण खांसी हो गई है, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है और फिर खांसी चलने लगी है, कुछ ठंडा खा लिया है और फिर आपको खांसी हो रही है, रात को सोते समय पर ज्यादा खांसी चलती है, तो आपको क्या ऐसी रेमेडी करनी है जो कि खांसी को जड़ से सही कर सके। चाहे वह खांसी कफ वाली हो चाहे सूखी खांसी हो, ये उपाय दोनों में काम करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा बलगम गिरता है, गले के अंदर भी बहुत ज्यादा बलगम जमता है, तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सूखी खांसी भी आपको चल रही है कि गला सूखता है, उसके कारण दर्द होता है, आपको चुभन जैसा लगता है गले के अंदर, तो वह सारे संक्रमण भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लेकिन अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, एक बार आप जाकर उनको जरूर देखिए और लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके। खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से खांसी का संक्रमण हो रहा है और बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, आपने काफी सारा ट्रीटमेंट कर लिया है और उसके लिए काफी सारी होम रेमेडीज भी अप्लाई कर ली है, तो इस रेमेडी को आप अप्लाई करके देखिए। आपको क्या करना है, एक कप पानी लेना है और उसे गर्म करने के लिए रखना है, उसके अंदर आपको अदरक कूट करके डाल देना है, यानी कि आपको इतना छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसे कद्दूकस कर सकते हैं, उसे कूट सकते हैं, या फिर उसे ऐसे छोटे छोटे पीस करके भी आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। अदरक को अच्छे से पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और फिर उसके अंदर आधा छोटा चम्मच मुलेठी का पाउडर भी डाल दीजिए। मुलेठी क्या करती है, गले के सारे संक्रमण पर काम करती है। अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, दर्द महसूस होता है, सूजन है, टोंसिल है, छाले हो गए हैं, या गले का किसी भी प्रकार का आपको संक्रमण लग रहा है, तो मुलेठी उस पर काम करती है। अदरक कफ दोष पर काम करती है। अगर आपको सर्दी जुकाम के कारण संक्रमण हुआ है, एलर्जी के कारण संक्रमण हुआ है, या फिर बदलते मौसम के कारण संक्रमण हुआ है, बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हुआ है, तो उसे जड़ से साफ करेगी। अदरक और मुलेठी का इस तरह से पानी बनाना है, छान लीजिए और फिर इसे गुनगुना चाय की तरह लीजिए। पानी एक कप का आधा कप पानी रह जाएगा, इसे आप रात को सोते समय ले सकते हैं और दिन के अंदर भी अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, इसको बनाकर आपको लेना है। इसे पीने के बाद आपकी तुरंत खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो। अगर बच्चों को भी इस प्रकार का संक्रमण होता है तो एक चम्मच या दो चम्मच आप बच्चों को भी पिला सकते हैं, इससे बच्चों की खांसी भी बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगी। अगर खांसी का संक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, रात को सोते समय दिक्कत हो रही है, तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि रेमेडी तभी काम करती है जब आप कुछ चीजों को रिमूव करते हैं, तो आपको परहेज भी कुछ चीजों का करना है, जैसे ठंडा और खट्टा बिल्कुल आपको नहीं खाना है। परहेज भी अगर आप रखेंगे तो रेमेडी 100% इफेक्ट देगी, आपके इस गले के संक्रमण को, खांसी को, बलगम को बिल्कुल साफ कर देगी। तो अगर खांसी का संक्रमण है तो इस रेमेडी को आप अप्लाई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।